ललित नारायण मिथिला के विश्वविद्यालय के 50वां स्थापना दिवस के अवसर पर एसके महिला कॉलेज बेगूसराय में एक दिवसीय कविताओं का रंगारंग कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में अलग अलग क्लास की छात्राओं ने हर्षोल्लास के साथ भाग लिया। कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर यास्मीन अख्तर, डॉक्टर जेवा खानम की ओर से किया गया। इस प्रोग्राम में सबसे पहले एसके महिला कॉलेज के प्राचार्य महोदय मंच पर आए। उन्होंने अपने मीठे बोल से उपस्थित लोगों को संबोधित किया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान से की गई। राष्ट्रगान में 12th और पार्ट 1 की छात्राओं ने भाग लिया। इन छात्राओं में सूबिया शाहीन, फौजिया प्रवीण, खुशनाज प्रवीण, फरहत नसरत जहां ने भाग लिया। इसके बाद मानसी चौधरी ने अपनी मीठी आवाज में कविता पढ़कर लोगों का मन जीत लिया। मानसी चौधरी को खूबसूरत कविता के लिए प्रथम स्थान दिया गया। दूसरा स्थान सूबिया शमीम ने प्राप्त किया। सूबिया शमीम ने अपनी मधुर आवाज में बेटी पर एक नज़म पढ़ी। नज़म काफी आकर्षक थी, इस नज़म के लिए उन्हें द्वितीय स्थान मिला। तृतीय स्थान पर बीए पार्ट 1 की छात्रा खुशनाज प्रवीण आई। उन्होंने कविता की सूरत में एकता का पाठ पढ़ाया। तीसरे स्थान पर ही बीए पार्ट 3 की छात्रा अफसाना खातून रही। अफसाना खातून ने पेड़ पौधे की हरियाली और पत्तों का महत्व कविता की सूरत में बताया। इनके अलावा भी बहुत सारे छात्राओं ने भाग लिया। इस अवसर पर एसके महिला कॉलेज के प्रधानाध्यापक डॉक्टर विमल कुमार, प्रोफेसर डॉक्टर रोमा यादव, डॉक्टर अर्चना कुमारी, डॉक्टर निर्मल गुप्ता, ललन कुमार, यास्मीन अख्तर, डॉक्टर जेबा खानम उपस्थित थी। बेगूसराय से मोहम्मद नबी आलम की रिपोर्ट। आज कविता का रंगारंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया। जितनी सारी कविताएं लड़कियों ने पढ़ी, सब अपना अपना अलग 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 मौजूद के अंतर्गत कविता पढ़ी। सभी कविताएं बड़ी अहमियत रखता था। मानसी चौधरी ने जो पढ़ी उसकी आवाज बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने रामधारी साजी सिंह दिनकर की कविता पढ़ी। उसके बाद अफसाना खातून ने पत्तियों की अहमियत का एहसास दिलाया। खुशनाज ने जो कविता पढ़ी उसमें लड़कियां किस हद तक आगे बढ़ सकती है, लड़कियों की क्या अहमियत है, बेटियों की क्या मान्यता है, उस पर उन्होंने बड़ी अच्छी कविता पढ़ी। कविताओं का प्रोग्राम जो हुआ तो लड़कियों के चेहरे पर हर्षोल्लास देखने को मिला। हम सब ने उन्हें उस प्रोग्राम में मजे लिए, लड़कियां खास तौर पर मजे ली। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। क्या नाम आपका? डॉक्टर यास्मीन अख्तर। महाविद्यालय परिवार की ओर से सर्वप्रथम आपका जो हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का 50वां वर्षगांठ स्वर्णिम महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है और ऐसे मौके पर हमारे माननीय कुलपति के द्वारा दिशा निर्देश दिया गया है कि 4 जुलाई से लेकर के 5 अगस्त तक लगभग एक माह तक महाविद्यालय में हर तरह की सांस्कृतिक गतिविधियां बच्चों के द्वारा जो है की जाए और उत्सवी माहौल रहे। तो इस कड़ी में हम लोगों ने अपनी पूरी कमेटी के द्वारा प्रोफेसर संजय सुमन, प्रोफेसर रानी जी, प्रोफेसर यास्मीन जी, प्रोफेसर रूमा सिन्हा जी, प्रोफेसर बी के त्रिपाठी जी, प्रोफेसर निर्मल कुमार गुप्ता जी, प्रोफेसर सारे लोग हैं, प्रोफेसर शिखा चौधरी जी है और भी जितने हमारे शिक्षक हैं हनुमान जी, सारे लोगों के नेतृत्व में कमेटी जो है काम कर रही है और अलग अलग दिनों पर ये तय किया गया है कि एक अलग अलग विधा पे बच्चों के द्वारा जो है कार्यक्रम किया जाएगा। तो कल वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ, आज कविता पाठ का कार्यक्रम बड़े ही बेहतरीन तरीकों से आयोजित किया गया। इसको सफलतापूर्वक अंजाम देने में सबसे बड़ी भूमिका रही है प्रोफेसर यास्मीन जी का और निर्णायक मंडल के रूप में प्रोफेसर संजय सुमन जी और प्रोफेसर रानी कुमारी ने अपना बहुत शानदार योगदान दिया और इनके निर्णय से निसंदेह बच्चे भी बहुत खुश थे। पहले दूसरे तीसरे पायदान पर आने वाले बच्चों को हम लोगों ने अपनी तरफ से शाबाशी दिया है और भविष्य में उनको पुरस्कार भी दिया जाएगा। विश्वविद्यालय की तरफ से लगभग एक महीने का कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें आज दूसरे दिन कविता पाठ का आयोजन किया गया महिला कॉलेज में और इसमें लगभग 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और सभी ने बहुत अच्छा अपना कविता पाठ किया। क्या नाम हुआ आपका? आपका नाम क्या हुआ?
शानदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील जीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील जीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती।